में 138 श्रेणियों में 50,000 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए शासन आदेश जारी कर दिया है, लेकिन इस संविदा भर्ती का प्रदेश भर के बेरोजगार युवा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया है। जिस कंपनी को इस भर्ती का ठेका दिया है वह कंपनियां भाजपा नेताओं की है, ऐसा आरोप पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने लगाया है। उन्होंने आज काटोल परिसर में बेरोजगार युवाओं के साथ मिलकर संविदा भर्ती का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाली थी, जिसका वादा भी किया गया था, मगर वह 2 करोड़ रोजगार तो दूर, उल्टा जो रोजगार दिया जा रहा था उसे भी प्राइवेट कर दिया गया है। यह सब नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण को न देने के लिए किया जा रहा है, ऐसा आरोप भी अनिल देशमुख ने लगाया है।